हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज 2.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 8.08 पे शेयर प्राइस आ चुका है। ASM स्टेज वन में है। 52 वीक हाई अभी काफ़ी दूर है 18.45 का एंड लो है 6 रुपीज़। 20% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर सर्किट। मार्केट कैप अच्छा है फ्रेंड्स, 424 करोड़ का। EPS है 0.03, PE काफ़ी ज़्यादा है 235 का। पावर सेक्टर से बिलोंग करता एक पेनी स्टॉक है। जानेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस है एंड क्या लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है शेयर के। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है इनकी क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। 1 अप्रैल को ये अपडेट आया था। ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि Q4 आने से पहले ऐसे अपडेट आएंगे। इसके बाद एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट का अपडेट भी बहुत जल्दी आता आपको देखने को मिलेगा। एंड इंसाइडर एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेडिंग को 48 आवर्स के लिए क्लोज किया जाता है, बिकॉज उन्हें आइडिया होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो वो इसका मिसयूज़ ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है बट हम फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। देखिए, दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 0.58 करोड़ का एंड सितंबर का था 0.98 करोड़ का। तो आप देखिए, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही है। थोड़ा सा फॉल हुआ है बट ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही है। और अब नेक्स्ट क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका प्रॉफिट अच्छा आएगा तो शेयर में रिवर्सल आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग है 30.18%, पब्लिक है 69.82%। तो फ्रेंड्स, अभी न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च क्वार्टर का आना बाकी है। उसमें भी हमें देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग FII DII में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो अब फ्रेंड्स, लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक और आएगी, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, देन आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग फॉर द Q4 रिजल्ट्स। तो आप बस बेल बटन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही ये दोनों अनाउंसमेंट आने ही वाली हैं मैं आपको बता दूंगी। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और अगर Q4 में प्रॉफिट डबल या ट्रिपल होके आता है तो ये भी आपको 8 रुपये के आसपास मिलने वाला पेनी स्टॉक इन अ शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न ज़रूर बना के दे सकता है। सो अभी जो ऊर्जा ग्लोबल के बारे में भी बात करेंगे, अभी शेयर में कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा, एक नॉर्मल सा शेयर चल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है बट अभी एक पेनी स्टॉक है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में। हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो पावर सेक्टर्स की जितनी भी कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 9 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं।